अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब? ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको सलामती भरी, खैर वफ़ियत और खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी नसीब आमीन जी। मैं ये घर में जो दही जमाते हैं उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये दही को जी मैंने ये मेरे पास 1 kg जो उनसे दूध है इसको मैंने नीम उबालना दला दी है और इसको मैंने नीम गर्म कर रही हूँ दोबारा, और इसमें मैं मिट्टी के बर्तन में इसको डालूँगी और फिर बाद में इसको जो इसके अंदर मैंने दही लगाना है कितना लगाना है वो भी आपको बताऊँगी। इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी जो उनसी फिंगर है ना वो इसको बर्दाश्त कर सके। नीम गर्म जो उनसे दूध आपने थोड़ा सा नीम गर्म से थोड़ा सा बस गर्म हो, क्योंकि मौसम ना बारिशों की वजह से ठंडा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा आपने गर्म दूध लेना है। जब ये मौसम गर्म हो तो आपने दूध जो उनसे ना रूम टेम्परेचर से बस थोड़ा सा नॉर्मल सा हो तो दूध उसमें आप जाग लगा लें, उसमें दही लगा दीजिए। अभी बस मैं इसकी फ्लेम बंद करूँगी और उसको दूध को ना इसके अंदर डालूंगी और फिर बाद में आपको बताती हूँ जी। इसमें मैं दूध डालूंगी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल आपने गर्म नहीं करना, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म हो। मिट्टी के बर्तन से दूध लगाने से बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा और मज़े की जो उनसे ना वो दही आपका बहुत ही अच्छा ना दही को इसमें लगाऊंगी। 1 चम्मच भर के दही लगाऊंगी इसमें, 1 चम्मच भर के जो उनसे ना ये मैंने इसमें दही लगा दी है और इसको मिक्स कर देंगे। और इसको जी मैं कवर कर दूंगी और इसको लपेट के टावल के साथ बाद में इसको मैं ब्लैंकेट में ही इसको जी मैं इसी तरह कवर कर दूंगी जिस तरह मैं दही लगाती हूँ। मैं तो आपको वही रेसिपी बता रही हूँ, बड़ा इजी और आसान रेसिपी है। घर में ही आपने बाजार कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शहरी में और अफ्तारी में जो उनसे दही बड़े वगैरह हम अफ्तारी में बनाते हैं, चाट वगैरह बनाते हैं, तो दही हमारे खानों में भी इस्तेमाल होता है। और रमज़ान में ज़रूर आप दही को जो उनसे ना अपने घर में ही बनाएं और शहरी में आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सारा दिन का हमारा रोज़ा खाने से जो उनसे वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतर है। तो इसको मैं लपेटूँगी और इसको मैं जी किसी वार्म जगह पर रख, क्योंकि ओवन को बार बार फिर इस्तेमाल करते हैं बच्चे और फिर दही जो उनसे ना वो हमारा सही तरह सेट नहीं होता। इसको मैं इसी तरह लपेट के छोटा सा ब्लैंकेट में मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ जो उनसे हवा जो उनसे हमारी वो क्रॉस ना हो, एक साइड पे इसको मैं रख दूँगी और जो उनसे ओवरनाइट इसको मैं इसी तरह बनने दूँगी। सुबह ये जब सेट होगा तो आपको उसकी फाइनल लुक भी दिखाऊँगी और बहुत अच्छा जो उनसे ना यमी जो उनसे ना ईजी और आसान है। घर में जो दूध बनाते हैं उसी को आप थोड़ा सा गर्म कर लें, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म वो, तो उसमें आपने 2 से 2 चम्मच भर के आपने दही लगा देना है। तो आपके फिर उसको कवर कर देना है और आपने इसको इस रख देना ओवरनाइट के लिए 7-8 घंटे जो उनसे ना आप अगर सुबह के टाइम रखेंगे तो रात तक आपका दही सेट हो जाएगा, अगर रात को रखेंगे तो सुबह तक सेट हो जाएगा। आपने इस तरह से बनाएं और सुबह जब ये सेट होगा फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, खुश रहें, सलामत रहें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। मिलते हैं जी आपको सुबह जब ये दही सेट होगा फिर आपको मिलते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद नूर में नूरिल्ला जी, मैंने ओवरनाइट जो उनसे दही कुछ बाया हुआ था, ये देखिए जी हमारा जो दही जो उनसे ना वो सेट हो गया। इसको मैंने इसमें लपेट के रखा हुआ था, आपको मैंने ये रात को दिखा दिया ये दही देखें कैसा है। फिर बाद में इसको मैंने ये देखें जी किस तरह, ये देखें अल्लाह की शान, ये देखें कैसे अल्लाह ताला हमारी रहमतें बरकतें हम पे नाजिल किए हैं। ये देखें आप ये घर में आप थोड़ी क्वांटिटी में आसान, और ये देखें इसी तरह आपने बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और ये इजी और आसान है। आपने सर्दियों में दही को अच्छी तरह लपेट लेना है और इसको नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म हो, इसमें 2 चम्मच दूध अच्छी वो आपने दही डाल के तो उसको मिक्स करके तो उसको कवर कर देना है किसी वार्म जगह पे, फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। बाद में सुबह सेट हो जाए तो आप इसको निकाल के इस्तेमाल करने से आधा घंटा पहले आपने इसको फ्रिज में रखना है, ज़रा सेट हो जाए फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी कितना अच्छा बना है, आपने ज़रूर इस तरह बनाना है। और दही में खट्टा इसलिए होता है अगर आप दही ज़्यादा देर तक बाहर पड़ा रहे तो फिर वो दही खट्टा हो जाता है। जब ये इसके ये सेट हो जाए तो आप इसको आधा घंटा फ्रिज में ज़रूर रखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों में रखें और अपनी बरकतों में नवाजे, और आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और ये जी इसी तरह ये बड़ी इजी आसान टिप है, आप इसी तरह बनाएं और बाकी जो दही होता है उसको सारा मिक्स कर लें ताकि दही जो है ना पानी ना छोड़े, इसी तरह आपने सारा मिक्स कर लेना है और बाकी ये देखें जी किस तरह ये बनाए, आपने ज़रूर इस तरह बनाना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और आपको मिलते हैं जी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।